देश के हालात आज ठीक नहीं है, आने वाला समय और भी खराब होने वाला अंदेशा है। निजीकरण के नाम पर सरकारी उपक्रम और संपत्तियों को देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार बेच रही है, ये शब्द कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। देश के हालात आज ठीक नहीं है, आने वाला समय और भी खराब होने का अंदेशा है। निजीकरण के नाम पर सरकारी उपक्रम और संपत्तियों को देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार बेच रही है, ये शब्द कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। जनहित के मुद्दों पर बीजेपी नेता खामोशी अख्तियार किए हैं। प्रदेश में नशाखोरी बढ़ी है और नशे के असली सौदागर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ऐसा लग रहा है कि नशा माफिया और खनन माफिया को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। धर्मशाला की बात करें तो कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर विराम लग गया है और नई योजनाओं का तो कोई नाम तक नहीं है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्य ठप होकर रह गए हैं। धर्मशाला की जनता जान चुकी है कि बीजेपी सरकारों ने हमेशा धर्मशाला की अनदेखी की जा रही है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। राठौर ने आरोप लगाया कि सरकारी इमारतों पर भी बीजेपी के झंडे लगे हैं, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है। सीएम खुद सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जेपी नड्डा को वे खुद लेने गए थे, जो कि कहीं ना कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग है, इसलिए इस यात्रा का खर्च बीजेपी के चुनावी खर्च में जोड़ना चाहिए। राठौर ने कहा कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और भी खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। निवेशकों को सरकारी खर्च पर यहां लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। सरकार को चाहिए कि जो उद्योग यहां पहले से चल रहे हैं उन्हें मजबूत किया जाए, ताकि वे पलायन न करें। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि एनएच को लेकर हर जगह हो हल्ला मचाने वाले भाजपा आज इस मामले में खामोश क्यों है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वो नेशनल हाईवे अब कहाँ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा की मदद करने वालों की नजर अब हिमाचल की पहाड़ियों पर टिक गई है। केंद्र व प्रदेश सरकार हिमाचल को बेचने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के नाम पर सरकारी उपक्रम और संपत्तियों को देश और विदेश की भाजपा सरकार बेच रही है। राठौर ने कहा कि एनएच को लेकर शोर मचाने वाले भाजपाई आज इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।